हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। 19 साल की हाथरस की कथित रेप विक्टिम के मृत शरीर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 29-30 सितंबर की दरमियानी रात जला दिया। इस दौरान इस दलित लड़की के घर वालों ने और साथ ही गांव वालों ने पुलिस को रोकने के लाख जतन किए, मगर कुछ काम नहीं आया। कथित ऊंची जाति के चार लोगों पर मृतका के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप करने का आरोप है। इसके बाद उसे बुरी तरह मारा भी गया था। पीड़िता के बयान के बाद घटना के 10 दिन बाद इस मामले में आरोपियों पर कथित गैंगरेप और हत्या के प्रयास का चार्ज लगा। बयान के वक्त पीड़िता सफदरजंग अस्पताल में मौत से जूझ रही थी। 29 सितंबर को उसकी मौत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि रेप का कोई भी सबूत उन्हें मिला ही नहीं। इसके कुछ ही घंटों बाद उसकी लाश को बगैर उसके परिवारजनों की इच्छा के जला दिया गया। इस दौरान पुलिस वालों ने रिश्तेदारों, मीडिया और रोष प्रकट कर रहे वहां मौजूद हर आम आदमी को लाश जलाए जाने वाली जगह के आसपास फटकने से भी रोके रखा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस लगातार इस बात को गलत बताती रही कि पीड़िता की लाश को बगैर उसके परिवार की इच्छा या अनुमति के जलाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। इसके जरिए पुलिस के इस वर्जन को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों में सरकार है, इसके हरियाणा आईटी सेल के चीफ अरुण यादव ने ट्वीट किया और कहा कि विक्टिम के परिवार वालों ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप भी लगाया। इसके साथ एक वीडियो भी था, ये वीडियो देखिए और इस बात पर जरूर गौर करिएगा कि 6 सेकंड के बाद इस वीडियो में आवाज कुछ सेकंड के लिए म्यूट हो जाती है। उस दौरान क्या बातचीत होती है कुछ कहा नहीं जा सकता। बंटी, पिताजी का नाम राम साहू, निवासी मूलगंज। आप बाबा? मेरा नाम इंदर पाल है। अच्छा है। और पिताजी का नाम क्या है? वंशी। यहीं के रहने वाले हो? जो बाबा हैं ये हरिजन है। अच्छा, नहीं, लड़की के बाबा है। बाबा, आप बाबा हो ना? हाँ। अच्छा ठीक। प्रीति गांधी ने भी ये वीडियो ट्वीट किया। आपको बता दें कि प्रीति गांधी भाजपा महिला मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज हैं। इसके साथ ही भाजपा के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने प्रशांत पटेल उमराव द्वारा ट्वीट किए गए इस वीडियो को रीट्वीट किया। इस पूरे प्रकरण में हाथरस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दावा किया कि मृतका के पिता और भाई ने दाह संस्कार के लिए अपनी सहमति दी थी और अंतिम संस्कार के दौरान परिवार जन वहां मौजूद थे। तो सवाल यह है कि क्या मृतका के परिवार के लोग अंतिम संस्कार के वक्त वहां मौजूद थे? इंडिया टुडे की पत्रकार तनुश्री पांडे लगातार इस मामले में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए सभी को दिखाया था कि गांव वाले और मृतका के परिवार के लोग एम्बुलेंस के सामने खड़े हुए थे और पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि वो उसकी लाश को उसके घर ले जाने की अनुमति दे दे। इन सभी दिल कचोटने वाली गुहारों का पुलिस पर कोई असर नहीं हुआ और कुछ देर में वहां से थोड़ी ही दूर पर लाश को जला दिया गया। मृतका के भाई ने ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि शव को जलाए जाने के वक्त किसी भी परिवार वाले को वहां मौजूद रहने की इजाजत नहीं दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाबा यानी उसके पिता के पिता की मौत 2006 में हो गई थी, जिससे ये तो पक्का हो जाता है कि वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा वो वृद्ध शख्स मृतका के बाबा नहीं हो सकते। कई और आउटलेट्स ने लोगों को एम्बुलेंस के सामने गिड़गिड़ाते हुए और लाश को जलाने के लिए ले जाने से रोकते हुए दिखाया। एनडीटीवी ने मृतका के रिश्तेदारों से बात की, जिन्होंने कहा कि उन्हें घर में बंद कर दिया गया था और न ही उन्हें शव देखने दिया गया और न ही उन्होंने उसके दाह संस्कार के लिए मंजूरी दी थी। कोई नहीं पहुंचा है और हमारे हाथ में डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही है लड़की की। वो कर रहे हैं सब, पुलिस वाले ही कर रहे हैं, जैसे मनमानी चला रहे हैं अपनी, पुलिस वाले ही चला रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। तो जैसे मेरी उनके पिताजी से भी बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं अपने रिश्तेदारों से सलाह करना चाहता हूँ, तो हाँ। वो हुई थी बात, तो उसके बाद उन्हीं का फैसला था फिर आखिर का? उन्हीं का फैसला है, वो ये कह रहे पिताजी ने, सभी रिश्तेदारों से बात करके उन्होंने ये कहा है कि हम सभी अपने जो मतलब है कि
रिलेशन वाले हैं, सभी को बुला के सुबह हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे पूरे कार्यक्रम। एनडीटीवी ने मृतका के पिता से भी बात की। सर अभी आपकी पुलिस से बाहर बात हुई है तो वो आपको बात कर रहे थे कि शमशान घाट ले जाने के लिए, तो क्या आपने क्या फैसला लिया? अभी मेरे नाते रिश्तेदार सब आ जाए उसके बाद देखते हैं उन लोगों को ले जाएंगे। जो पहले जैसे आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं वहाँ चले जाता, फिर शायद कुछ रिश्तेदारों ने आपको कहा कि नहीं घर पहले लेकर आना। हाँ पहले अब हिंदू रीति रिवाज में तो पहले घर आते हैं उसके बाद वहाँ ये भी विरोध था कि रात को नहीं ले जाते नहीं दबाव डाल रहे हैं पुलिस वाले। तो क्या बात हुई आपकी पुलिस वालों के साथ? वही बोल रहे थे कि अभी लगा दो हमें टाइम नहीं है, फिर आपके चक्कर हम कब तक जबरदस्ती करवा रहे हैं। सीएनएन की मारिया शकील ने रिपोर्ट किया कि लाश को पुलिस ने जला दिया था और उसके परिवार वालों की हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार दाह संस्कार की इच्छा पर किसी ने भी कान नहीं दिया। उन्होंने मृतका की माँ से बात की। क्या होता मेरी बेटी की बॉडी नहीं दी थी, लेके चले गए हमने की हमारी बेटी की कम से कम मौत तो दिखा दे आखिरी बार, उन लोगों ने बॉडी नहीं दी थी। आपने बोला उन लोगों के घर लाने के लिए? घर लाने के लिए पैर तक पकड़े हमारी बेटी की बॉडी ला दो, नहीं उन लोगों ने नहीं दिया। सारे लोग पहुंचे, हम अगर तुमको देखना तो वहाँ शमशान घाट जाओ देखने के लिए। उनसे ये सवाल पूछा वहाँ नहीं जाएंगे। ये लोग पैर पड़े मेरी बेटी की कम तो आखिरी बार मुक्ति यात्रा तो करवा दो, किसी ने नहीं सुनी। मात धार बोल कर एक और वीडियो में मृतका की माँ को काफी बुरी तरह से रोते हुए देखा जा सकता है। यहाँ वो कह रही हैं कि वो अपनी बच्ची की आखिरी विदाई खुद से और अपने रिवाजों से करना चाहते थे। हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। मृतका के भाई ने भी यही बात कही कि उसकी लाश को जबरन जलाया गया था। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि कल क्या हुआ, क्या जब उनका क्रिमेशन हुआ, जब अंतिम जो हुआ उसमें क्या परिवार से कोई था? नहीं था कोई भी, मैं साथ था। जब डेड बॉडी जब हम वहाँ से, वो तो डेड बॉडी दिन में ही आ गई थी, हमारे बिना परमिशन के उन्होंने भेज दी, ना ही हमको पता चला। वहाँ पर गुमराह कर रहे हम लोगों को, वहाँ पर कह रहे कोई है वो डेड बॉडी, कोई कह रहा है यहाँ से जा चुकी है। तो रात को हम 11:30 बजे करीब वहाँ से निकल लिए, तो यहाँ पर हम आ गए 2 बजे करीब आ गए। आपके साथ कौन था? पापा थे मेरे साथ और चंद्रशेखर भैया थे। उन लोगों को तो जेवर टोल पर उन्हें पुलिस ने वहाँ पर उन्हें पकड़ लिया था। तो और हमारे साथ SDM साहब थे और वो पापा थे मेरे साथ और मैं था और पुलिस वाले थे 2। तो और भी थे SDM वहाँ पे मिल गए थे, हाथरस बाईपास पे मिल गए थे। तो अब वो हमसे बोल रहे हैं DM साहब के, देखिए आप इस चीज़ में क्यों करवा रहे हो, राजनीति क्यों करवा रहे हो, आपको यहीं रहना है। और आप हमसे ये कब बोला DM साहब? ये रात बोला है हमसे, कह रहे आप ऐसा क्यों करवा रहे हो, आप लड़की की डेड बॉडी को ऐसा क्यों करवा रहे हो, जल्दी से अब जाके और चुपचाप वो उसके अंतिम संस्कार करवा दीजिए। तो हमने बोला ठीक है सर, हमने बोला यार रात को तो नहीं होगा, सुबह हम हमारे जो परिवार के लोग हैं और रिश्तेदार भी रुके पड़े हैं वो भी देखना चाहेंगे, और जल्दी ना जल्दी हो सके सुबह हम कर देंगे अंतिम संस्कार। पर हमारी बात कोई भी वो नहीं रखा उन्होंने। शुरुआती जमीनी रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस का ये कहना कि अंतिम संस्कार जबरदस्ती नहीं किया गया था एक बेबुनियादी दावा मालूम देता है। 29-30 सितंबर की दरमियानी रात के जो दृश्य हमें देखने को मिले हैं उसमें हम एक बेहद परेशान परिवार को देखते हैं जो कि पुलिस वालों से इस बात का अनुरोध कर रहा था कि उन्हें उनकी मृत बेटी को एक आखिरी बार घर ले जाने की अनुमति दे दी जाए। उनकी प्रार्थनाओं को किसी ने नहीं स्वीकारा, परिवार वालों को उनके घरों में कैद कर दिया गया और पुलिस ने एक मानव श्रृंखला बनाकर घर वालों की गैर मौजूदगी में जलाए जा रहे शव के आसपास किसी को भी नहीं आने दिया। एक वीडियो जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति जलती हुई लाश पर और भी ज्यादा लकड़ियां डाल रहा था ये दिखाया जाता है। इस वीडियो के दम पर ये दावा किया जाता है कि परिवार वालों ने ही उसका अंतिम संस्कार किया था। ये वृद्ध व्यक्ति असल में उस परिवार का नजदीकी रिश्तेदार था ही नहीं।